आ जाओ आ जाओ। नमस्कार दोस्तों, मैं रण सिंह पवार, आप देख पा रहे हैं पीएम अपो न्यूज। इस समय जो तस्वीर दिखा रहे हैं राउतखेड़ा गांव की, जो कल तस्वीर हम आपको दिखा पा रहे थे, गांव काड़वास के अंदर 26 भेड़ बकरी चोरी कर ली गई थी, और आज राउतखेड़ा के अंदर जो है मामला सामने आया है चोरी का। यहां बातचीत करेंगे, लोगों से जानकारी लेंगे। हाँ जी नमस्कार जी, क्या नाम आपका? लीलू राम है जी। क्या कहना चाहेंगे जो चोरी हुई है कल आप? ये 2021 में 20 भेड़ों की चोरी होगी, उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। अब रात की 10 बकरी और 5 भेड़े चोर ले गए, कोई कार्रवाई नहीं है। 10 बकरी और 5 भेड़े रात को निकली है? रात को निकली है। तो ये आप यहीं पे रोक रखी थी? हाँ जी, यहाँ पर रोक रखे, वो गेट काट रखे वहाँ से, पीछे से। हाँ, पीछे की साइड से। तो आप आगे सोते हो? हाँ, यहाँ सोते हैं जी। हाँ जी, तो पीछे भी आपके ही चोरी हुई थी? हाँ जी। कितनी बेड़े हुई थी? 20 बेड़े। तो कह रहे थे कड़वास में जिक्रा हो रहा था कि भी कोई पकड़ी गई थी, पीछे भी चोरी हुई ना? यहाँ पकड़ी कौन, कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो किस पे शक जता रहे हैं? शक तो बगैर देखे बगैर किसका नाम लेगा। तो 2-2.5 बजे तक कह रहे हैं? 2.5 बजे तक तो जागते है, बाद में तो नींद आएगी, सारा तो जागते ही। कोई रेजा लगातार चोरियाँ हो रही हैं? ये करीब 3 बजे के बाद बारिश आने लगे से, यहाँ से तार काट के और छड़े गाड़े और छड़े पाड़ कर निकाली है। पैदल ले गए कि कोई साधन? कोई साधन से ले गए, पैदल तो इतनी दूर जा ही नहीं सकती, भाग जाओ है। क्योंकि काड़वास के अंदर कह रहे हैं कि पैदल ले जाई हुई जो है, यहाँ से चक्कर ले गए हैं, रोड पर ले जाके गाली है जी। हाँ, यहाँ से निकाल कर ले गए हैं, रोड पर जाके चढ़ाई है। अच्छा, हाँ, पिकअप गाड़ी है, पिकअप। हाँ जी, वे हमारे जो जो अपने भाई साहब गए रहे थे, बोले पिकअप गाड़ी रात ने शाम ने केरम खड़ी थी, उसके बाद में जो पहले के भी पिकअप से हुई थी। अच्छा, हाँ, बाटियाँ गाड़ी थी। तो बाटों पे ही पहले शक जताया जा रहा है? हाँ जी, बाटा पर है जी। श्री राम जी आ जाओ इधर। यहाँ पे और भी सामाजिक लोग इकट्ठे हैं, जो लोग बाग है। श्री राम जी क्या कहना चाहेंगे, जो पूरा वाक्य जो घटित हो रहा है आजकल, जो है पहले का आपके पड़ोस के गांव काड़वास में चोरी हुई, अब जो है आपके गांव राउतखेड़ा में हुई है? पवार साहब, दूसरी चोरी है ये, और लगातार चोरियाँ हो रही है। सुबह हम गए थे थाना में भी, तो उन्होंने आश्वासन दिया भी हम देखेंगे, कोई कार्रवाई करेंगे। लगभग शक है ना, अभी ये बाट जाति के जो फिरते हैं ना, पहले इनके पास धंधा था, धंधा तो है नहीं, और धंधा ये तोड़ लिया, हर गांव में फिरते हैं और चोरियाँ, लगभग चोरी यही करते हैं। तो कल भी 2-3 बाटों के नाम लिए थे? हाँ हाँ, लिए थे। मैं नाम ही नहीं पता वो बाटा का, तो ये भी बता रहे थे कुछ लोग गायब भी बताए जा रहे हैं, 1-2 बाट जो है। हाँ हाँ, वो हाँ, इनके बात उनके नाम क्या, उनके दिए उनके नाम भी, ये नाम भी इनके हैं, ये नाम लिखा। आपने बाय नेम दी एप्लीकेशन इनके? नहीं, बाय नेम तो कौन है, सक्केदार पर संजीव। हाँ जी, एक ठाकुर है कोई, और एक रामलाल बाटी है, नहीं, और एक सिंगरान का बता रहे थानेदार है कोई। हाँ, ये थानेदार का जिक्र कल भी हो रहा था, याद है। पुलिस वाले गए थे, हमने भी नहीं था, घर पर गए थे पुलिस वाले भी, कल बता रहे थे हम गए थे वहाँ पर, तो उनके घर तो कोई पाया कौन, भी औरतें थी वहाँ पर। आप देख पा रहे हैं फिलहाल राउतखेड़ा की तस्वीरें, आप देख पा रहे हैं काफ़ी लोग यहाँ पे मौजूद हैं। कल हमने एक खबर आपको दिखाई थी काड़वास गांव की, जहाँ से 26 भेड़ बकरी चुरा ली गई थी, और आज लगातार जो है राउतखेड़ा गांव के अंदर भी चोरी हुई है। क्या कहना चाहेंगे भाई साहब? कहना तो यही चाहेंगे भाई, जो चोरियों की वारदात रोज़ होने लग रही है, उसकी रोकथाम के लिए पुलिस ने कार्रवाई करनी चाहिए। अभी तक पुलिस नहीं आई ना, अभी तक यहाँ भी नहीं आई काड़वास वाड़ी, उसमें भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। पहले भी पिछले साल भी जब चोरी हुई, उसके अभी FIR दर्ज करवाई थी, लेकिन उस मामले में कुछ नहीं हुआ। पीछे 1 साल हो गया, 1 साल पहले? हाँ, 1 साल हो गया पूरा, तो नहीं ट्रेस कर पाई बिल्कुल भी नहीं। तो क्या कारण है लगातार चोरियां भेड़ बकरियों की होती है और पुलिस ट्रेस नहीं कर पाती है? ये तो मेन यही मानो कि पुलिस का जो है ना ढुलमुल रवैया है, जो FIR दर्ज कर देती है उसके बाद में भी हम ट्रेसिंग पर कर रहे हैं, ट्रेसिंग लगा रखी है, ये है वो है, नहीं करती, ये पुलिस की कमी है बिल्कुल, इसमें कोई दोराय नहीं।
तो अभी भी पुलिस जो है लेट लपतीपी करके जो है साक्ष्य इकट्ठे करने चाहिए या बातचीत करनी चाहिए तो उसके लिए भी नहीं पहुंची है। अभी तक तो पुलिस ने निशानदेही भी नहीं की भी किस तरीके से ले गए, कब ले गए, क्या नहीं आए नहीं अभी तक तो पुलिस क्या करेगी उसमें। आपको बता दें कल चोरी जो हुई थी कालवास के अंदर वहाँ भी पुलिस जो है लेट पहुँची थी, 8:30 बजे लोगों ने एप्लीकेशन दी थी और 3-4 बजे बार बार फ़ोन करने के बाद पुलिस पहुँची थी और जो है बातचीत लोगों से की थी और यहाँ भी आज पुलिस जो है लेट पहुँच रही। कितना बजे एप्लीकेशन दी थी? एप्लीकेशन सुबह लगभग 11 बजे 10:30-11 बजे 10:30-11 बजे दी थी। ऐसी चीज़ें हैं कि पुलिस ने ये चीज़ें सोचनी चाहिए कि जब 10 बजे कोई एप्लीकेशन आती है, इतना गरीब आदमी की इतनी चोरी होती है, 3-3 लाख रुपए का जब माल धन चोरी हो जाता है, उसके बाद जब कोई कार्रवाई नहीं करते, कहते हैं तो हमारे पास मुलाजिम नहीं है, तो भाई मुलाजिम नहीं तो फिर पुलिस का काम क्या है चोरियाँ की रात? अभी ये जो मौसम ऐसा ही है, जो धुंध का समय है, इस समय और ज़्यादा चोरी होने के, हर रोज़ एक दिन कालवास में, दूसरा दिन रावतखड़ा में, एक ही गाँव बीच में 6 किलोमीटर दूर पर होता है, और जब मतलब 6 किलोमीटर में जब हर रोज़ चोरियाँ हो रही है, उसके बाद भी मतलब पुलिस कार्रवाई नहीं करी, तो ये पुलिस की देखो कमियाँ हैं, इसमें कोई दो राय नहीं, पुलिस का ढुलमुल रवैया है, पुलिस ने कार्रवाई करनी चाहिए और संतुष्ट तो कोई है नहीं, सही बात तो ये है पुलिस से। तो संतुष्ट कैसे होंगे जब एक एक साल चोरी होते हुए हो गई है और अभी तक कोई जानकारी पुलिस ने नहीं जुटा पाई है। हमारे साथ में और भी लोग हैं, इनसे बातचीत करें। नमस्कार भाई साहब। नमस्कार जी भाई साहब। ऐसा है जी, पुलिस को तो संज्ञान लेना चाहिए इस मामले में, उनको निशानदेही जो मौका है वो मौका ज़रूर देखना चाहिए। तो 3-3, 4-4 घंटा बाद इनके तो दूसरी वारदात है। ये गरीब मजदूर है बेचारे, बड़ी मेहनत करते हैं, ये एक धंधा ऐसा है, प्रतिदिन इनको सुबह से शाम तक अपनी मेहनत करनी पड़ती है और इतनी मेहनत के बावजूद इनको ये परिणाम मिलता है। एक साल पहले चोरी हुई, उसका कोई रिजल्ट नहीं, चोर भी पकड़ी जाए गए, उनके बावजूद कोई मतलब इनका नहीं, अभी तक पुलिस नहीं आई, तो ये पुलिस प्रशासन का गलत रवैया है जी। और बिल्कुल 2:30 बजे के बाद की बात, 2:30 बजे तक और कितनी मतलब एक आदमी कितनी रुखाड़ी करेगा जी? 2:30 बजे तक ये लोग जागते थे, उसके बाद ये चोरी हुई है। तो पिछली बार हम मिले थे ना पुलिस, मतलब पुलिस वाले पिछली बार मिले तो आपने रोड पे है, रोड पे ही बोले बना रखे है, ये बार तो घर में ही है, घर में ले गया चोरी करके, देख लीजिए ये घर है, बिल्कुल ये घर में, ये यहाँ सोते हैं। हाँ ये कोई बात थोड़ी, रोड की कोई बात थोड़ी, मतलब बड़ा इन्होंने बना रखा है, रोड पे बना रखा है, ये तो जहाँ जगह होगी वहीं बनाएंगे भाई, क्या रोड के पास आदमी नहीं रहते क्या? रोड के लिए तो ये कोई तरीका थोड़ी, रोड के साथ बना रखा है तो भाई चोरी होगी, ये बात थोड़ी होती है, ये कोई जवाब थोड़ी होता है। यानी पुलिस जो है कोई कार्रवाई न करके, कोई जवाब नहीं मिला हमने इसके बारे में, संतोषजनक कोई जवाब नहीं मिला अब तक, हमने पिछली बार भी नहीं मिला, इसकी बार भी नहीं मिला, ये बात है ना। तो इसकी पुलिस को सख्त कार्रवाई करनी चाहिए और नहीं तो आगे तरतर चोरियां बढ़ती जा रही है। लोगों को क्या कहना चाहेंगे? बस यही है, जागरूक हो सब, मतलब ठीक रिपेरा भी लगना चाहिए मेरे हिसाब में, तो वही क्या करें बताओ, बहुत ज़्यादा चोरियाँ हो रही गाँव में, मंदिरा में चोरी हो रही है, हर जगह चोरियाँ हो रही है, और इन गरीब के तो बताओ 50 बेड ले गया, कितने नुकसान, देख लो 5 लाख का नुकसान हो गया। फिलहाल जो तस्वीरें आप देख पा रहे हैं रावतखेड़ा गांव की, जहां पे भेड़ बकरियां चोरी हुई है, और पीछे जो कल ही जो तस्वीरें हम आपको खबर दिखा रहे थे, कालवास गांव में भी चोरियां हुई थी। तो लोग बाग को भी थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि बार बार चोरियां हो रही है, क्षेत्र में जो है चोर जो है लगातार चोरियाँ कर रहे हैं और पुलिस ट्रेस करने में फेल नज़र आ रही है, यहाँ तक कि पुलिस मौके वारदात पर अभी तक पहुँची भी नहीं है। अगर बातचीत करें तो यहाँ से चोर जो है रास्ता बना करके, पीछे से रास्ता बना करके भेड़ बकरियाँ निकाल के लेके गए हैं, और सामने जो है लोग बाग सोए हुए थे, सोए हुए के भी पीछे से जो है निकाल के भेड़ बकरियाँ चोरी कर ली गई है। लगातार जो ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं पीएम अपन न्यूज़ के ऊपर, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, जो कि लोगों तक ये बात पहुंच सके कि सतर्क रहें, जागरूक रहें, क्योंकि किसी भी तरह की अगर चोरी हो जाती है तो आप पुलिस के भरोसे रहते हैं तो पुलिस आपका काम नहीं करेगी। ये तस्वीर साफ नज़र आ रही है, एक साल पीछे भी चोरी हुई थी यहाँ पर रावतखेड़ा गाँव के अंदर, लेकिन अभी तक पुलिस चोरों को ट्रेस नहीं कर पाई है। बने रहिए पीएम अपन न्यूज़ से, मैं रण सिंह पवार। जो दरखास्त दी थी पुलिस ने, और फिलहाल 4:15 की टाइम हो रही है, पुलिस नहीं आ रही है इस टाइम। ये किसका कोर्ट है? हमारा कोर्ट है, पुलिस का कोर्ट है, का रिपोर्ट नहीं दी देनी चाहिए। वैसे तो नहीं रिपोर्ट नहीं दिया तो कहते हैं रिपोर्ट नहीं दी, नहीं उन्हें क्या पता है। हाँ जी।